हाय दोस्तों, कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप लोग को सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बधाई, और आपका साल अच्छा जाए, बहुत ही अच्छा जाए। आप लोग बहुत ही अच्छा कमाएं, हेल्थ वेल्थ सब पे ध्यान रखें। हेल्थ है तो आपके पास वेल्थ अपने आप आ जाएगा। तो फिर से इस साल की शुभकामनाएं आप लोग को। और अब एक बार चलते हैं निफ्टी पे, अपना ओपिनियन देखते हैं कैसा निफ्टी व्यू है, निफ्टी व्यू देखते हैं। तो आज की क्लोजिंग देखेंगे, जैसा मैंने आपके पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था, निफ्टी पॉजिटिव ही रहेगा और ये कंटिन्यू देखेंगे, ये अप ट्रेंड में ही है। आज थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड दिखाया और बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया, बुलिश हैमर का बनाया है। तो आगे भी निफ्टी जो रहेगा, अभी 11200 तक लगता है, 11200 तक भी जा सकता है, तो आपको ये सब पॉजिटिव ही रहेगा। बट इसको 10980 के आसपास, 975 के आसपास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वो एक थोड़ा सा आपको वहाँ पे संभल के काम करना। हर बार ये वहीं से रिटर्न आ रहा है। तो आप देखेंगे आज निफ्टी 10910 की क्लोजिंग दिया है, 50 पॉइंट का ऊपर है। 32 एडवांसेज हैं और डिक्लाइन 18 है। ये जो एडवांसेज हैं ये दर्शाते हैं कि मार्केट में पॉजिटिवनेस है और ज़्यादा है। लेकिन सरप्राइज की बात जो है, एक ही चीज़ है खाली सरप्राइज की जो बात है, वो है कि वॉल्यूम नहीं है मार्केट से, एकदम वॉल्यूम खत्म है। आप देखेंगे FI ने जो सिर्फ 48 करोड़ की सेलिंग की और DI ने सिर्फ 142 करोड़ की बाइंग की है, तो वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। यही एक सबसे बड़ा इशू है, और कोई इशू नहीं है, वॉल्यूम का एक कंसर्न है खाली। और उसके बाद देखेंगे तो आप देखेंगे, इसके अलावा देखेंगे तो आप कंसर्न नहीं है। निफ्टी में जो गेनर थे, आज के गेनर हैं भारतीय एयरटेल, एच डी एफ सी अच्छा खासा परफॉर्म दिखा रहा अभी, और SBI है, और BPCL और इन्फ्राटेल, HDFC लिमिटेड है। और जो लूजर में है, महिंद्रा, हिंडालको, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर और JSW, ये लूजर में थे आज ना। तो गेनर में बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। हाँ, भारतीय एयरटेल ने अच्छा 2.99% का गेन दिखाया, HDFC ने 2.12 का गेन दिखाया है। ये दोनों गेनर में रहे। और जो महिंद्रा ने सबसे ज़्यादा लूजर 3.84, ऑटो सेक्टर का रिजल्ट आया और अच्छा नहीं परफॉर्म किया। बट आप स्कॉट पे ध्यान रख सकते हैं, स्कॉट पे चांसेस स्कॉट और आइसर मोटर ये दोनों में है, आपको शायद एक पॉजिटिव कुछ देखने को मिलेगा ऑटो सेक्टर में, तो ये दोनों पर आप ध्यान रख सकते हैं। अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ तो इंडेक्स में आप देखेंगे जो बढ़ने वाले शेयर हैं, इंडेक्स जो बढ़ा है, सभी इंडेक्स ग्रीन में है, एक्सेप्ट आप निफ्टी इंडेक्स नेक्स्ट 50 को देखेंगे तो माइनर है, और निफ्टी मिड कैप को देखेंगे तो 0.07 से है, और भिक्स देखेंगे तो घट के है, तो मार्केट आगे की ओर जाने की संभावना पॉजिटिव है, ऊपर डायरेक्शन में जाएगा। जब भी ये घटता है भिक्स तो मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन आप परसेंटेज देखिए तो कोई भी परसेंटेज नहीं है, 0.44, 0.35, 0. तो वॉल्यूम नहीं है, ये बताना जरूरी है। अगर सेक्टरल इंडेक्स इंडिसेस की बात करें तो सारे सेक्टर ऑटो को छोड़ दें, FMCG को छोड़ दें, मेटल को छोड़ दें, तो सारे सेक्टर में बाइंग है। और सबसे अच्छा PSU बैंक परफॉर्म कर रहा है, PSU सेक्टर सारे परफॉर्म कर रहे हैं, तो PSU बैंक में भी अच्छी खासी आप देखेंगे परफॉर्मेंस चल रही है। और उसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा परफॉर्म कर रहा है, यूनियन बैंक परफॉर्म कर रहा है, और कल भी करेगा, ये दोनों का चांसेस है, कल भी ये दोनों बैंक परफॉर्म करते हुए आपको नजर आएंगे। ओरिएंटल बैंक भी एक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आज ओरिएंटल बैंक ने भी अच्छा खासे अब दिखाया है। ये सब सारे बैंक PSU बैंक में देखेंगे एक भी निगेटिव नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और उसी तरफ जब निफ्टी बैंक में हम निफ्टी ऑटो में देखेंगे तो निफ्टी ऑटो में देखेंगे निगेटिव है 53 पॉइंट, और टाटा मोटर्स में थोड़ा बढ़ा था, ये शॉर्ट टर्म गेन है, आगे इसको पता नहीं परफॉर्म ये रहेगा नहीं आगे। हीरो मोटर का 19 पॉइंट का गेन है, और मारुति 11 पॉइंट से है, अशोक लेलैंड भी थोड़ा अब दिखाया है, आइसर मोटर 11 पॉइंट से है। जो सबसे ज़्यादा गिरने वाले हैं, महिंद्रा है, TBS है, अमर राजा है, MRF है, एक्साइड है, ये सब गिरने वाले शेयर हैं ऑटो सेक्टर में, ये सेक्टर में थोड़ा आपको गिरावट देखने को मिला। अगर मेटल सेक्टर भी एक बार देख लें तो मेटल सेक्टर में देखेंगे तब यहाँ पे निफ्टी मेटल में अपोलो जो है वो 7% के साथ, कोल इंडिया 1.25 से, वेल्सपन कॉर्प और वेदांता बढ़ते हुए हैं, बाकी सारे स्टील सेक्टर में निगेटिव है, माइनर निगेटिव है,
टाटा स्टील 5 पॉइंट के साथ निगेटिव, साथ 515 पे क्लोजिंग दिया है। सेल सेल में बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ये इसका लोवेस्ट लेवल 45 होता है और 90 तक जाता है, 45-90 का रेंज है। तो सेल में अगर कोई पोजीशन बनाएंगे तो आपको शायद लॉन्ग टर्म में आपको मतलब कि इसका रेंज जो बॉटम का रेंज है वो बहुत नीचे नहीं रहा अभी, 50 भी तो अब नहीं तोड़ेगा। तो बॉटम का रेंज नीचे आ चुका है, ऊपर का रेंज 90 तक इसका खुला हुआ है। सेल भी अच्छा है, टाटा स्टील तो आपको मैं पहले भी बता चुका है, ये अच्छा शेयर है। 630 650 तक जाने में इसको समय नहीं लगेगा। एक बार अप ट्रेंड इसने 533 का क्रॉस किया तो 533 पे इसको रेसिस्टेंस है। तो ठीक है, ये एक मेटल सेक्टर में था। निफ्टी 50 के इंडेक्स में देख लें तो एडवांसेस 32 से डिक्लाइन 18 थे। जो एडवांसेस मेन थे वो भारतीय एयरटेल थे 9 पॉइंट के साथ, HDFC लिमिटेड 41 पॉइंट के साथ, SBI 4.8, BPCL 5.75% के पॉइंट के साथ 6.59, HDFC बैंक भी 27 पॉइंट के साथ अप है। और जो लूजर में देखेंगे महिंद्रा महिंद्रा, हिंडालको, इंडिया बुल हाउसिंग, हिंदुस्तान यूनिलीवर, JSW स्टील, ONGC, टाटा स्टील, UPL, ये सब माइनर पॉइंट पॉइंट के साथ, जो मेनली तो हिंदुस्तान यही चार थे, ये लूजर के साथ हैं। तो ये इंडेक्स और सेक्टर की बात हो गई। और अभी आगे क्या है? तो एक बार हम डेरिवेटिव पे भी पोजीशन देख लें, लेकिन उससे पहले एक बार चार्ट पे पोजीशन देख लें, एक बार इंडिसेस की अदर फ्यूचर इंडिसेस की बात देख लें, अदर मार्केट डाउ वगैरह का। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पॉजिटिव दिखा रहा है यहाँ पे। तो अगर फॉरेक्स की बात करें तो इंडिया USD डॉलर रुपये में मजबूती दिखा रहा है। कॉमोडिटी में देख लें तो कॉमोडिटी में ब्रेंट क्रूड जो ऑयल दिखा रहा है वो थोड़ा बढ़त के साथ 54-55 में, कोई खास बात नहीं है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है, बाहर के मार्केट में भी वॉल्यूम नहीं है। SGX निफ्टी देख लें 10,967 तक दिखा रहा है, 10 हाई बनाया है 968, तो यही चांसेस अपने मार्केट में भी, यही हाई 10,970-10,980 का हाई अपने मार्केट में भी बनाता है। तो यही है, 11,050 भी अपने मार्केट के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अब चार्ट पे देखें तो क्या दिखा रहा है, आप देखेंगे ये बुलिश हैमर पैटर्न बहुत अच्छा, एक नीचे पैटर्न बनाया, एक अपर लो बना रहा था और यहाँ पे एक देखेंगे एक लो बनाया 10,808 का, नीचे की ओर गया और ऊपर की ओर भी गया, लेकिन पैटर्न पर देखेंगे तो यहाँ पे एक बुलिश हैमर पैटर्न बन रहा है। ये यहाँ से 11,036 हो सकता है टच करने के लिए तैयार है, जो भी होगा कल अपर ट्रेंड का ही ये पैटर्न दिखता है, यहाँ पे बुलिश हैमर है। तो ठीक है, हैमर पैटर्न अच्छा दिखता है और यहाँ से अप ट्रेंड आपको चार्ट पे देखने को अच्छा मिलेगा। तो हो सकता है कल तो मार्केट पॉजिटिव ही है, तो कल मार्केट अप रहेगा। आज जो एट द मनी देखे तो 10,910 है, तो 10,900 पे देखे क्या हुआ है, एट द मनी 211 पे 16 पॉइंट के साथ प्लस हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो अनवाइंडिंग हुई है एक पोजीशन को, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है यहाँ पे 10,900 पे। और यहाँ पे देखेंगे अगर पुट की ओर देखेंगे तो वापस कॉल राइटिंग कंटिन्यू है इस पे, मीन्स अभी भी 10,900 को भी बेस सपोर्ट लेवल मिल रहा है। और 10,800 पे तो देखिए 3,79,923 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, और क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है और ऐड हुआ है 3,79,000 का। तो 10,800 नीचे अभी जाने को तैयार नहीं है 10,800 से, 10,900 पे अभी भी सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, 10,950 पे देखेंगे तो यहाँ से अनवाइंडिंग हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, मतलब कि अब 10,950 पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो 10,950 सबको मालूम है कि वहाँ पे जाते ही थोड़ा लड़खड़ाता है, और 11,000 पे यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो कल जो आपको मार्केट में 10,900 से 11,000 के बीच में मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी ने मेरे बताए हुए पोजीशन पर अगर बाय किए होंगे, अगर 10,800 169 रुपये में बताया था 169 पे, और आज 277 चल रहा है, लगभग 100 पॉइंट से ऊपर चल रहा है, अगर 10,900 का आपने ये लिया होगा तो वो उस समय 149-159 था, उसके बाद जब बताया 169 बताया था, उस वहाँ से 211 पे चल रहा है, तो आप प्रॉफिट पे होंगे, अच्छे तरह से होंगे, और कल भी रह सकता है प्रॉफिट पे ही लगेगा रहेंगे। लेकिन जो ये बताया दस, कल का जो रेंज होगा 10,900 से 11,000 करेंगे। अब 11,000 का रेंज किस वॉल्यूम से अभी तो टूटने वाला है, ऐसा नहीं दिखता है कि वॉल्यूम तो है नहीं मार्केट में, इसलिए डायरेक्शन थोड़ा सा कम, बहुत सॉलिड ऊपर की ओर बूम नहीं है, हैमर पैटर्न है तो ऊपर की ओर है। कल आपको 11,000 की ओर जाते हुए पहले 10,950 की ओर जाते हुए दिखेगा, और वहाँ से 10,980 और वहाँ से 11,000, ये तीन लेवल होंगे कल के लिए।
तो 10,900 से 11,000 के बीच में कल का मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। फिर से हैप्पी न्यू ईयर आप लोग को, सबको बधाई हो। और आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करते रहे, पसंद करते रहे, शेयर करते रहे, फॉरवर्ड करते रहे। इस साल भी हम आपके साथ एजुकेशनल पर्पज़ से और पेपर ट्रेडिंग पर्पज़ से आपको वीडियो शेयर करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के फॉरवर्ड करें, शेयर करें और हमारे साथ व्यू अपडेट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर सबको।